गरियाबंद जिले के ग्राम पंचायत भैसा तरह के पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी से ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। पंचायत में महिला सरपंच के पति उप सरपंच इंदरमन साहू के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तकरीबन 300 से भी अधिक हरे भरे बबूल के पेड़ व 200 नग बल्ली को बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के काटकर अन्य जगह बेचने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने लिखित शिकायत कर जिला कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ अनुविभागीय अधिकारी राजीव से मामले की जांच कर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके पूर्व ग्राम पंचायत के जनपद सदस्य व ग्राम के नागरिक ने लिखित में शिकायत दर्ज की है, जिसमें जांच दल के द्वारा बिना मौके स्थल में गए आधी अधूरी जांच की कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जांच की पूरी कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होने पर ग्रामीण धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन करने लामबंद हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होने की बात कही गई है। महिला सरपंच है, उसके पति जो है उप सरपंच, पूरा दबंगई करके और पंच द्वारा गांव में बिना मुनादी के किसी प्रकार की कोई जानकारी न देकर पूरा पेड़ को काट दिया है, और वो भी अपने स्वयं के पुत्र को पेड़ कटाई का ठेका दिया है। क्या लगता है, जमीन में उनके द्वारा कटिंग करके कब्जा करने का मामला है क्या? हाँ, वो लोग पंच और जो उप सरपंच सरपंच है, वो लोग ना जगह को साफ करके अपना काबिज करना चाहते हैं। मामले को लेकर के क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच हो। चलिए ठीक है, आपका नाम बताइए। रवि कुमार साहू। ठीक, सभी का अभियान होना चाहिए, सियान मन का। और ये सरपंच जो है बहुत मनमानी कर रहे हैं, अपने मर्जी से चल रहे हैं, उसका निराकरण होना चाहिए। जांच की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? जांच जो अभी नहीं, अभी कैसा लगता है, इसमें लिपापोती हो रहा है? लिपापोती हो रहा है सर। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम लोग का उसका कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा, किसका कार्रवाई चाहते हैं, कौन झाड़ को काटा है? सरपंच, उप सरपंच और सचिव मिलकर। अच्छा, कब काटे इसको? अभी आप लोग इन पेड़ों की निगरानी में रखें कि कहीं पेड़ जड़ सहित भी उखाड़ के मत ले जाए। हाँ, निगरानी में हम लोग इसका। चलिए, आपका नाम बताइए। हरक राम साहू। कि यहाँ अवैध रूप से ऐसा काटा है कि बस्ती को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया है, ना बुनियादी किया है, और इतना मनमानी कर रहा है कि अभी तो ऐसा हो गया है कि नर्सरी को पंच और सरपंच दोनों ना अपन कब्जा करने के लिए तैयार हो गए, पूरा पंच और सरपंच। अच्छा, तो इसकी शिकायत किए हैं कहीं पे? हाँ, शिकायत किए हैं हम। कहाँ किए हैं? मतलब कलेक्टर में दिए हैं, SDM में दिए हैं, और विधायक को दिए हैं, और अपना जनपद में दिए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को न्याय चाहिए। अच्छा, कार्रवाई चाहिए, न्याय चाहिए। चलिए, आपका नाम? रजव राम साहू जी। ठीक, समय न्यूज के लिए गरियाबंद से जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।